और आप देख रहे हैं पांच की बात, मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। प्रदूषण पर कई राजनीतिक बैठकें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी को 10 नवंबर को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है और जवाब भी मांगा है कि प्रदूषण के जो आंकड़े हैं, रियल टाइम आंकड़े, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं हैं। जस्टिस कॉल की अध्यक्षता में बने बेंच ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जो स्मॉग टावर लगाए गए थे और जो बंद पड़े थे, वो फौरन चालू किए जाएं। जवाब में ये कहा गया है कि DPCC चेयरपर्सन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये दिखाता है कि जब स्मॉग टावर जो लगाए गए थे एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, वो भी बंद पड़े हैं, तो दिल्ली सरकार हो या DPCC हो, प्रदूषण को लेकर कितनी गंभीरता है। अब जब इमरजेंसी स्थिति है, तब जाके स्मॉग टावर की चर्चा हो रही है। और ये भी बड़ी खबर आई है कि दिल्ली में स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं 9 तारीख से। एक तरह से विंटर वेकेशन को प्रीपोन किया जा रहा है। तो आपको अब दिखाते हैं कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने अब जाकर क्या कदम उठाए हैं। वैसे पानी सर से ऊपर है, प्रदूषण बिल्कुल जहरीले स्तर पर है। अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऑड इवन पर शुक्रवार को हम सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे और उसके बाद ऑड इवन पर फैसला लेंगे। 13 तारीख से ऑड इवन होगा या नहीं, उस पर फैसला उसके बाद ही लिया जाएगा। गुरुवार से पूरी क्षमता से स्मॉग टावर चलाए जाएं, ऐसा कहा गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कल एक टिप्पणी की थी, तब अब ये बात सामने आई है। और ओपन बर्निंग रोकने के लिए 611 टीमें हैं, यानी कि जो खुले में वेस्ट को जलाया जाता है या फिर जो फॉसिल जो लकड़ियां जलती हैं, पत्ते जलाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए रियल टाइम स्टडी के लिए जल्द ही फंड जारी किए जाएंगे, ऐसा कहा है दिल्ली सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों पर प्रतिबंध होगा। एक स्टडी है कि दिल्ली के प्रदूषण में 31% ही दिल्ली की भागीदारी है, उसमें 30-35% वाहनों के प्रदूषण की भागीदारी है, यानी दिल्ली में जो वाहन हैं उनकी भागीदारी 30-35% है। तो ऑड इवन पर पर्यावरण मंत्री जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं कि गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड इवन के संबंध में चर्चा करने के लिए शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि ऑड इवन लागू होगा या नहीं। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को लागू करने के लिए दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो MS प्यूरी की तरफ से रखा गया था, उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास दो बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज हैं। और प्रदूषण से बदहाल दिल्ली में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो विंटर वेकेशन है उसको प्रीपोन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है। स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक छुट्टियां रहेंगी। कहा जा रहा है कि इनकी भरपाई सर्दियों की उन छुट्टियों के साथ होगी जो हर साल सर्दियों के मौसम में दिसंबर से शुरू होती हैं और जनवरी के कुछ दिनों में बंद रहती हैं। बदलता हुआ जो पैटर्न है वो मौसम को बदल रहा है और प्रदूषण उसे और ख़तरनाक बना रहा है। इस बार नवंबर काफ़ी गर्म साबित हो रहा है और हाल ये है कि घरों में अब तक पंखे चल रहे हैं, जबकि अक्टूबर में ठंड का एहसास होने लगा था, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान काफ़ी कम भी होने लगा है। तो कई दफ़ा देखा जा रहा है कि जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव बहुत नज़र आ रहा है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। खबर ये आ रही है कि प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली में कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें
आर्टिफिशियल रेन जैसी भी संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। शरद, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि कृत्रिम बारिश एक विकल्प हो सकता है प्रदूषण को कम करने के लिए, और क्योंकि ये विकल्प नहीं हो पाता या इस समय बरसात नहीं होती, इस वजह से हम देखते हैं कि स्मॉग गन या एंटी स्मॉग गन जो हैं ये चल रही होती हैं। ज़मीन से पानी मारा जाता है डस्ट पार्टिकल को सेटल करने के लिए। तो इस समय पर दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी एक बैठक, अहम बैठक चल रही है IIT कानपुर की एक टीम के साथ, जो कि कृत्रिम बारिश दिल्ली में कैसे करवाई जा सकती है इसको लेकर, इसकी संभावनाओं को लेकर उसमें चर्चा की जा रही है। हुआ ये था, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि सितंबर के महीने में एक मीटिंग हुई थी जिसमें IIT की कानपुर की टीम ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कृत्रिम बारिश करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो उन्होंने बताया वो ये था कि केवल जो बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में उन जगहों पर जहां पर बरसात नहीं हो रही या जहां पर ज़रूरत है और बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बरसात नहीं हो रही, वहां पर वो बरसात करवा सकते हैं। लेकिन क्या दिल्ली में इस समय पर भी, जब बादल में पानी शायद ना हो, तो उस समय पर भी क्या IIT कानपुर दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश करवा सकता है? तो इसकी संभावनाओं को लेकर बैठक हो रही है, और क्योंकि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ये एक योजना भी है, चर्चा भी है, तो अभी बैठक चल रही है, और जब बैठक खत्म होगी तो इसके बाद डिटेल्स आएंगी कि क्या वाकई, जिसकी चर्चा कई सालों से चल रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है और हर साल की ही ये कहानी होती है, तो क्या ये हो सकता है? तो जैसे ही बैठक खत्म होगी तो उसके बाद संभव है सरकार इस बारे में जानकारी दे कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है या केवल इसको चर्चा के लेवल पर ही खत्म मान लिया जाए। जी, धन्यवाद आपका शरद। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर चर्चा हो रही है कि क्या ये कृत्रिम बारिश हो सकती है और इससे कितना फर्क पड़ेगा। हमारे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा हैं, BJP नेता, विकल सोमवंशी, प्रोग्राम मैनेजर क्लीन एयर कैंपेन CSE, और घनेन्द्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। घनेन्द्र भारद्वाज, दिल्ली सरकार कई तरह के मेजर्स लेने की बात सोच रही है, पर इस समय जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लगातार GRAP 4 तो लागू किया गया है, पर क्या ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे कल ही पता चला और कोर्ट ने ये कहा कि स्मॉग टावर तक बंद पड़े हैं और फौरन इन्हें चालू किया जाए, तब जाकर अब इसमें तेजी दिखी। हालांकि ये भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, ये नहीं पता है कि स्मॉग टावर से कितना फर्क पड़ेगा प्रदूषण में। क्या इसकी कोई जानकारी है जब डेटा ही नहीं है, रियल टाइम आंकड़े भी नहीं है, और स्मॉग टावर अगर बंद था तो फिर इसकी जानकारी अब क्यों हुई जब कोर्ट में ये बात पहुंची है? देखिए नगमा जी, निश्चित तौर पर सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत का जो इस समय प्रदूषण का हाल है वो चिंताजनक है। पूरे उत्तर भारत में इस तरीके से प्रदूषण बहुत मेजर उस पर जा रहा है, और सिर्फ क्योंकि दिल्ली की चर्चा इसलिए होती है बार बार क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी है और दिल्ली के अंदर सारा मीडिया भी रहता है, इसलिए बार बार दिल्ली की चर्चा होती है। मैं आज सुबह का एक मिनट में आपको शुरू में ही जरा सा, प्लीज एक मिनट, हम लोग अगर प्रदूषण पे बात करें तो बेहतर होगा, दिल्ली की चर्चा होती है और जगहों की नहीं, मैं मान रही हूं, पर दिल्ली की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अगर राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या है, और दिल्ली में इसलिए भी क्योंकि प्रदूषण का स्तर बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली मतलब NCR, नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, गुरुग्राम में भी है, पर मैं पूछ रही हूं कि अगर स्मॉग टावर जैसी चीजें बंद हो और जानकारी नहीं हो और अब DPCC चेयरमैन को, इस चेयरपर्सन को इस पे हटाया जाए क्योंकि कोर्ट सवाल पूछ रहा है, तो ये क्या ये नहीं दिखाता कि गंभीरता नहीं है? देखिए नगमा जी, दिल्ली की सरकार अभी से नहीं, 2015 से जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में, लगातार हम पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लीडरशिप में, उसके ऊपर गणेन्द्र जी यही पूछा जा रहा है, उसका मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए नगमा जी, सुन लीजिए, उसका परिणाम ये रहा कि जो लगातार हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, चाहे समर एक्शन प्लान हो, विंटर एक्शन प्लान हो, एंटी डस्ट कैंपेन हो, एंटी इंडस्ट्री कैंपेन हो, आज दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे हमने पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम CNG पे या इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया, आज दिल्ली के अंदर सारी इंडस्ट्री जो हमने PNG पे कन्वर्ट कर दी है, आज दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर बढ़ा है, आज दिल्ली के जो सरकार के कंटिन्यूसली एफर्ट्स हैं उसकी वजह से अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया है तो फिर आज ये स्थिति क्यों है सर? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि दिल्ली का आपको मैं जो आपने कहा और मैं भी वही कह रहा हूँ कि दिल्ली चारों तरफ से देश के जो 10 प्रदूषित शहर है ना,
उसमें से 5 दिल्ली एनसीआर के हैं। और मेरा यह मानना है कि जब जहरीली हवा चलती है, जहरीली सांस जब चलती है, वो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं देखती, वो कोई रिलीजन नहीं देखती, वो कोई कास्ट नहीं देखती, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती, वो कोई इंडिविजुअल नहीं देखती। जब जहरीली ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं देखती है ये हवा, और पंजाब की हवा उठ के यहाँ पर आ रही है, पर जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी पंजाब में, तब आप लोग कहते थे पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली प्रदूषित है। अब पंजाब में लोग कहते हैं कि वहां की हवा उठ के दिल्ली क्यों जा रही है, जलंधर क्यों नहीं जा रही, तो ये भी ज्योग्राफी से समझ में आता है कि हवा इधर ही बह रही है क्योंकि रुख ये है इसका। नगमा जी, इस जब ये विंटर शुरू हुआ उससे पहले हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, हमने 4 बार सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी भूपेंद्र यादव जी को कि आप एनसीआर के तमाम राज्यों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाओ, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ, सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाओ, सारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर को बुलाओ, सारे एनवायरनमेंट सेक्रेटरी को बुलाओ, क्योंकि जब तक दिल्ली के प्रदूषण को अगर आपको खत्म करना है तो आपको एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करना अकेले सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण से नहीं होगा, आसपास के तमाम शहरों को इसमें जोड़ना होगा, राज्यों को जोड़ना होगा। भूपेंद्र यादव मीटिंग के लिए एक मिनट भूपेंद्र यादव मीटिंग के लिए अब भी नहीं तैयार आए, और जबकि कोर्ट ने कल कहा था कि सभी राज्य जिसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, मिलें और इस पर बात करें। मजिंदर सिंह सिरसा, ये जब मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं मंत्री, तो ये सवाल तो उठेगा या कोई भी सवाल पूछेगा कि गंभीरता अब भी नहीं है या सिर्फ राजनीति है इसके ऊपर? नहीं नगमा जी, पहले आप समझिए कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है ये लगातार हर साल की बीमारी है, और बहानों से इस बीमारी को हैंडल किया जाता है, इसको सीरियसनेस से हैंडल नहीं किया जाता। अगर सीरियसनेस से हैंडल किया गया होता तो कभी ये ना कहा गया होता कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दिल्ली में धुआं भेज देती है इसलिए हमारे यहाँ धुआं आता है। आपको नगमा जी ये याद रखना होगा कि दिल्ली का जो AKI लेवल है अदरवाइज भी जो है बाकी शहरों से बहुत ऊपर रहता है, जैसे 300 प्लस में परमानेंट रहता है। ये बात आप मानेंगे कि दिल्ली का AQI लेवल जो है वो 300 प्लस में हमेशा ही रहता है, जबकि चंडीगढ़ जैसे शहर का 20 रहता है। लगातार लगातार प्रदूषण यहाँ पे बना रहता है, ये बात सच है, बना रहता है। तो आप ये मान के चलें कि प्रदूषित दिल्ली को और ज्यादा प्रदूषित करने में बाकी राज्यों का भी हाथ रहा होगा, प्रदूषित दिल्ली को और ज्यादा प्रदूषित करने में। तो पहले तो हमें उस प्रदूषण को खत्म करना होगा ताकि हमारे यहां पे और प्रदूषण पहुंच ना पाए। होता क्या है, क्योंकि हमारी दिल्ली प्रदूषित है नगमा जी, हमारी दिल्ली प्रदूषित होने के कारण इसमें स्मॉग बहुत ज्यादा होती है, और जो दूसरे राज्यों से हवा आती है वो यहीं की यहीं ठहर कर रह जाती है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन इसको निपटाने के लिए दिल्ली सरकार की सीरियसनेस इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि हमें एक बहाना मिल जाएगा बाकी राज्यों पर हमला करने का, उनको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं। अगर चिंता रही होती तो 6 दिन हो गए आज इस इशू को बने हुए, 7 दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 1.40 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई PC नहीं है। उन्होंने कल एक बैठक तो की, लेकिन उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बन सकती हैं, उसके लिए MLO से चर्चा की। हमें लगा कि शायद उस चर्चा में वो बात कहेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण है, इसके ऊपर हमको हल निकालना है। अब देखिए जिस दिल्ली के अंदर स्मोक टावर बन पड़े हैं, सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्मोक टावर बन पड़े हैं जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट सिरसा साहब, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पे ला दिया है, तो उन्होंने काफी काम यहाँ पर किया है और वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं उसका जवाब, इफेक्टिव क्या कदम उठाए गए हैं। अविकल सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हैं, एक सेकंड, ये लगातार आरोप एक थर्ड सेकंड में लेने आए हैं। अविकल जी आपने भी सुना होगा, मैं व्हीकल की बात जानकारी नगमा जी दे दूं आपको, अगर आप बोलिए मैं अविकल जी को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं सर, आप तो सिर्फ बोलिए। अच्छा, बस मेरा ये कहना है कि ये व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो दिए गए हैं, ये भारत की सरकार द्वारा गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बसें दी हैं। बस मैं अपने ये चाहता हूं कि इनके प्रवक्ता ये बता दें कि दिल्ली में जो बसें दी गई हैं वो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें भेजी, बस इतना ही मैंने जानकारी देनी थी। नगमा जी मेरा छोटा सा सवाल है कि अगर दिल्ली अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीनियर इलेक्ट्रिक पे अगर तब्दील कर सकती है तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता, यूपी क्यों नहीं कर सकता? अगर दिल्ली अभी तो, उन्होंने जवाब दिया है इसका कि ये दिल्ली सरकार ने किया नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने किया है, ये बसें जो दी हैं CNG। मैंने क्या, मैं नगमा जी देखिए इन लोगों की आदत क्या है, हर जगह झूठ। और मैं तो कह रहा हूँ पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स मत करो, आप ये बताओ हरियाणा पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अविकल सोमवंशी जो है वो क्लीन एयर कैंपेन के प्रोग्राम
मैनेजर हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा कि जो आप लोग दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अब ये जो आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, सबसे पहले तो अविकल, वो कितना मुमकिन है इस मौसम में और उससे क्या कमी आएगी? दूसरा सवाल, स्मॉग टावर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाए गए थे, क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ता भी अगर तो वो स्मॉग टावर बंद है, किसका फेलियर है ये? पहले तो आर्टिफिशियल रेन की बात कर लें। इस मौसम में आर्टिफिशियल रेन कराना काफी मुश्किल होगा। आईटी कानपुर के पास कोई नया तरीका हो तो वो अलग है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, आसमान में बादल होने चाहिए रेन कराने के लिए। इस समय बादल नहीं है, बस कोहरा है, तो वो मुश्किल होगा। अगर रेन होती भी है तो एक या दो दिन जब बारिश होती है ठीक से हो, मतलब 2-3 घंटे लगातार घनाघन बारिश हो, तब जाके प्रदूषण कम होता है। अगर कुछ 10-15 मिनट के लिए हल्की बारिश हुई तो पोल्यूशन के लिए खराब होती है एक्चुअली, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाता है। शहरों में इस तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट की गई हैं, चीन में ये सब हुआ है, कितना उससे प्रदूषण पे फर्क पड़ता है अविकल जी? उससे आपका ये टेम्परेरी रिलीफ है, जब बारिश होगी उस समय थोड़ी सी हवा साफ होगी। अगर आपने सूत्र नहीं हटाए प्रदूषण के, बारिश रुकने के बाद फिर से प्रदूषण बढ़ने लगेगा और एक दो दिन लगेगा। ठीक, जो स्मॉग टावर लगा था वो भी काम नहीं कर रहा, वो बंद पड़ा है, पर स्मॉग टावर भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा था। स्मॉग टावर्स कितना काम करते हैं, या ये भी सिर्फ एक दिखावा है, इससे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं? स्मॉग टावर्स बिल्कुल काम नहीं करते, पहली तो बात। आप स्मॉग टावर, हवा का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, आप स्मॉग टावर कितना साफ कर लेगा? अगर आप स्मॉग टावर के बगल में जाके खड़े हो तो थोड़ी सी साफ हवा मिलेगी, अगर उससे थोड़ी दूर जाएंगे तो उसका कोई असर, तो शहर के लेवल पे कोई असर नहीं होगा। ऐसी बात होगी आप गर्मी में एसी, हाँ गर्मी में एसी आप घर सड़क पे रख दें, तो जो आप एसी के सामने खड़े होंगे तो जो हवा निकल रही है एसी से वो आपको ठंडा लगेगी, लेकिन 5 मीटर भी दूर जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होता। तो वही स्मॉग टावर के साथ, उसके बावजूद जो भी होता वो स्मॉग टावर्स बंद पड़े हैं और कोर्ट को कल कहना पड़ रहा है कि आप स्मॉग टावर्स फौरन चालू करें तुरंत प्रभाव। ये गंभीर बात है, क्योंकि आपने इतने करोड़ पैसे लगाए उसे लगाने के लिए, जो 10-15 लोग को ही फायदा होता तो, लेकिन वो बंद पड़े हैं, ये तो चिंता की बात है। और पैसों का कहते हैं, जितने पैसे बर्बाद हुए इसमें, अगर वो पैसे अगर आप सड़कें सही करने में और बसें खरीदने में लगा देते तो ज्यादा फायदा होता, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा देते ताकि गाड़ियां जो है वो कम निकले। दिल्ली में कम से कम 30% तो वेहिकुलर पोल्यूशन है ही अविकल जी, इतना ज्यादा तो प्रदूषण कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी घनेन्द्र भारद्वाज कह रहे थे कि दिल्ली सरकार बहुत गंभीर है, 2015 से वो इसके ऊपर बात कर रही प्रदूषण के ऊपर, पर अगर हम दिल्ली में देखें साल दर साल ये हो रहा है, इसमें बाकी राज्यों का भी हाथ है, ये मैं मानती हूँ पूरी तरह से, हम सब जानते हैं कि फैक्ट है कि आसपास से प्रदूषण आता है, सबको मिलकर काम करना होगा, पर गवर्नमेंट के लेवल पे यहां पर क्या ठोस काम किया गया है या क्या आपको दिखता है, या आप एज एन एक्सपर्ट क्लीन एयर कैंपेन के प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे क्या आपकी उम्मीद थी सरकार से कि करना चाहिए था सोर्स पे प्रदूषण कम करने के लिए? दिल्ली सरकार क्या कर सकती थी? दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पहले जो एप्का हुआ करता था, उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी जो चीजें करनी चाहिए, और ये पिछले 5-6 सालों से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान दिल्ली का, जो इसमें काफी सारी चीजें हैं लेकिन उन पे काम नहीं हुआ। एक तो बड़ी चीज है इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, वो है पार्किंग मैनेजमेंट। शहर के अंदर आपकी पार्किंग की समस्या इतनी ज्यादा है कि हमेशा ट्रैफिक जैम लगा रहता है जो प्रदूषण में ऐड करता है, तो उस पे आज तक कोई काम नहीं हो पाया। फिर आपकी अलग अलग चीजें आएंगी, जो आपका कचरा और धुआं, कचरा जलाना वगैरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उसे खत्म करना, जिसलिए आपको म्युनिसिपल मैनेज पर गंभीरता नहीं है, जबकि कानून है खुले में वेस्ट जलता है। आपके जो गाजीपुर और बलसवा की जो लैंडमाइंस या पहाड़ भी हैं उनके ऊपर भी ज्यादा काम नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि वहां से भी पोल्यूशन निकलता रहता है। तो ये सब चीजें जो आपके लिस्ट में लगी हुई है, एक्शन प्लान में है, उन पे काम नहीं हुआ है। हम जो सबसे आसान चीजें हैं, जो जितनी इफेक्टिव भी नहीं होती है, पानी का छिड़काव करना, पानी के छिड़काव से आपके शहर सड़क के आसपास की धूल बैठती है, PM2.5 नहीं खत्म होता। बहुत पॉइंटेड एक सवाल है और इसके ऊपर सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। एक एक्शन प्लान दिया हुआ है
और तमाम एक्सपर्ट्स ने दिया है, तो जो चीज़ें जैसे पानी का छिड़काव, इससे कुछ होगा नहीं। अविकल जी कह रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, स्मॉग टावर लगा दे रहे हैं, आपके खुले में जो कचरा जलता है उसको मैनेज करना, ट्रैफिक की समस्या को मैनेज करना, इसमें किसी और राज्य के सहयोग की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली राज्य में हो सकता है। देखिए नकमा जी, मैं दो तीन चीजें बताता हूँ कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनी है, 13,000 पॉइंट ऐसे थे जो हमने आइडेंटिफाइड करे जहां पे खुले में कूड़ा इकट्ठा होता था और कूड़े में कूड़ा जलाया जाता था, हमने वो 13,000 पॉइंट्स खत्म करे। हमने एमसीडी में एक एमसीडी 311 ऐप शुरू करी है कि खुले में कहीं पे भी कूड़ा हो, कहीं पे भी कूड़ा जल रहा हो, आप उस ऐप पे डालो, एक ग्रीन ऐप दिल्ली की है। और इम्प्लीमेंट कितनी अच्छी तरह से हो रहा है, क्या शिकायत, मैं बता रहा हूँ अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ उस पर, क्योंकि डीसी की अकाउंटेबिलिटी है, जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि एक घंटे के अंदर उसको उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करके देना है। दूसरा, जो लैंडफिल साइट्स की बात बताई, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4 महीने में, मैं आज आपको इस बात का वो बता रहा हूं कि 45,00,000 टन कूड़ा हमने लैंडफिल साइट से खत्म करा, तीनों लैंडफिल साइट से, क्योंकि दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है और हमारी कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा वातावरण देने की, साफ सुथरी सांस देने की। कई जगह क्योंकि एमसीडी में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो लोग हेडर्स बचा रहे थे, वो लोग काम नहीं करने दे रहे थे। और जब पार्किंग मैनेजमेंट की बात करी, पार्किंग मैनेजमेंट दिल्ली एमसीडी का काम था, तो आप काम कर सकते हैं ना, अभी भी कोई आप लोग नहीं सुनना चाहते कि आपको कोई काम नहीं करने दे रहा, इसलिए काम नहीं हो रहा है। बहरहाल मेरे पास इतना ही समय है, आप सिरसा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं इस चर्चा को यहाँ पे रोकूंगी। जी मेरा नगमा जी ये कहना है कि देखिए पिछले 9 साल से यही बहाना चलता है, अब थोड़े दिन बाद छठ पूजा का शुरू हो जाएगा और फिर गंदे पानी में लोग जाएंगे और फिर केजरीवाल जी कहेंगे गंदा पानी हरियाणा से आ गया है, गंदी हवा हरियाणा से आ गई है, यूपी से आ गई है। बहानों से सरकार नहीं चलती ना, आपको अल्टीमेटली ठोस कितना बहाने और कब तक चाहेंगे, कितना समय और इन बहानों में लेना चाहते हैं। और अगर दिल्ली की हवा साफ होती तो उसमें और हवा एड ऑन होती ना। जी जी, अब ये नहीं कहना होगा कि पंजाब से या हरियाणा के की वजह से ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है दिल्ली सरकार या दिल्ली के अंदर खुद क्या हो सकता है, ये गंभीरता से विचार करना है। जैसा बता रहे थे अविकल सोमवंशी भी कि एक एक्शन प्लान भी दिया हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, कोई बहुत टेढ़ी खीर ये नहीं है जो सरकार कर नहीं सकती, पर इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में, और उसके बाद बात नीतीश कुमार की, विधानसभा में नीतीश कुमार के अभद्र व्यवहार के ऊपर अब मचाए हंगामा। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार के बयान की जो उन्होंने विधानसभा में दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह का कल अभद्र बयान दिया, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीखा हमला किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के अंदर ऐसी भद्दी भाषा में बातें की कोई शर्म नहीं है उनको। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द भी नहीं बोला, दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो माताओं बहनों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं वो महिलाओं का क्या भला करेंगे। ये ग्वालियर चंबल का मूड वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? नीतीश कुमार ने जो बयान दिया और जिस तरह से बोले वो, उस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। पहले बाहर और फिर विधानसभा के अंदर भी माफी मांगी है। कल के इस बयान पे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मेरी बात बुरी लगी तो माफी।
विधानसभा में दिए बयान पर ये माफी मांगी है, जिसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। सेक्स एजुकेशन के बहाने उन्होंने जो बात कही है वो उसकी जो भाषा है वो बात काफी अभद्र थी, और इस पर उनकी आलोचना हुई है, जिसके बाद नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं। भूलिएगा मत कि 24,81,000 से बढ़कर अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है अब उसके चलते जो दिया जा रहा है आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपको आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग ले, जब हमारा मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, याददाश्त ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया नारी शक्ति जिम्मेदारी का पद है, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करेंगे, सामाजिक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर इस तरह का कारनामा को कतई स्वीकार नहीं करेगा सदन। और इसका तब सभी लोगों ने इसकी निंदा की है, लेकिन कल तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से ये बात बोल गए, पर क्या कोई इस बयान का बचाव कर सकता है? देखिए क्या कह रही हैं बिहार की पूर्व चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। ऐसा बात सदन चलने देना चाहिए, बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से काम हो रही है। तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगन मना रहे हैं, तो लोगों को काम है पर से दे रहा है उसका काम है। तो राबड़ी देवी कह रही है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बाद में पछतावा हो रहा है कि कैसे ये बात उनके मुंह से निकल गई, गलती से निकल गई। नीतीश लेकिन सवाल कई हैं, नीतीश कुमार की छवि को उनके बयान से कितना नुकसान पहुंच रहा है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि को उनके इस बयान से कितना नुकसान पहुँच रहा है? इंडिया गठबंधन में नीतीश की हैसियत क्या इससे कम होगी? इंडिया गठबंधन में दूसरे दलों का नीतीश के बयान पर क्या रुख है? और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी। नीतीश कुमार ने कन्हैया जी माफ़ी मांगी है, अपनी बातों को वापस लिया है, कह रहे हैं आप मेरी निंदा करें, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, पर इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? और जो और ये अब जिन लोगों को ये बात बुरी लगी है या जिस तरह की अभद्र भाषा या उनका जो बर्ताव था वहाँ पर और जिस तरह पीछे बैठे लोग हंस रहे थे, उससे नीतीश कुमार की छवि पर किस तरह का असर पड़ता देख रहे हैं आप? माफी मांगने के बाद देखिए ये सनातन धर्म माफ करना और माफी मांगना ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म ये हमेशा अभी सनातन की ही बात है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से माफी मांगी है आपने दिखाया भी अभी वो पूरा और वीडियो सुना, अब क्या बाकी रहता है? क्यों उनकी छवि पर नीतीश कुमार
अच्छा एक बात और, जो अपोजिशन कह रहा है कि इनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके महिलाओं का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं कहा। इसमें तो बात क्लियर हो गया। मैं दोबारा आपसे एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक आपत्ति है। महिलाओं का अपमान हो या ना हो, जिस तरह की भाषा, महिलाओं का ही क्यों अपमान, वहां तमाम पुरुष भी बैठे थे, महिलाएं भी थी, पर जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस तरह कहा, क्या वो संसदीय भाषा है? बिल्कुल नहीं है। मैं क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विधानसभा क्या ये जगह है सेक्स एजुकेशन की? ये जो अपोजिशन कह रहा है इनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, इनका हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, वो एक बात है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगी। पहले आप ये बताएं कि एक पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार और एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे अगर आप देखते हैं तो ये बयान जब उन्होंने कल दिया, क्या विधानसभा वो जगह है जहां पर वो इस तरह की बात करें? और उनका ये कहने से क्या उनकी जो भी छवि या उनके लिए सम्मान लोगों का रहा, क्या आपको लगता है कि उस पर कोई, आज माफी मांगी पर कल जो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए पॉलिटिकल जो आप बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स जो है की छवि तो है, और उस पर क्या असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि इंडिया पूरा उनके साथ स्टैंड करता है और जो उन्होंने मुद्दा जो लाया है, गठबंधन जो है उसे कंडेम नहीं करा, पर कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या कोई इस बयान का समर्थन कर सकता है? क्यों बोलेगा इंडिया परिवार का लोग, वो परिवार के एक अंग हैं। अगर आपके व्यक्तिगत कोई परिवार का, आपको नहीं लगता कि कंडेम करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए? तो उसको बताया, बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए, अफसोस चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। निंदा क्यों, निंदा क्यों किया? हम अपने घर के लोग क्यों निंदा करेंगे? हाँ, ये जिस तरह के उठा रहे हैं वो ठीक है, उठाए भाजपा के लोग जो उठा रहे हैं, भाजपा को उठाना भी चाहिए, लेकिन आप जो करिए कि छवि पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है एक दिन में छवि नहीं बनी है। एक गलती उन्होंने की जिसके लिए माफी मांग लिया उन्होंने, और अपोजिशन ये कह रहा है कि मेंटल क्या छवि पर, ये तो जनता में एक मैसेज है कि उन्होंने जान बुझकर। तो आप ये मान रहे हैं कि उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन कह रहा है, वो कह रहे हैं। तो कोई तो वजह होगी, या तो मेंटल स्थिति ठीक नहीं है या फिर वो इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? असल में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, और बोलते बोलते ये पहली बार थोड़े वो बोले हैं, अभी 10 महीना पहले उन्होंने ऐसा ही कहा, उस समय तो किसी ने सवाल उठाया नहीं, एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का कहा कि मैं कहीं जा रहा था, मैं देखा कि एक आदमी एक जानवर के साथ क्या क्या कह रहा है, अभी 10 महीना पहले। लेकिन उस समय तो कोई सवाल नहीं किया मेंटल स्थिति खराब है, अभी 10 महीना पहले कहा था। लेकिन चूंकि अब एक बड़ा मुद्दा आरक्षण वाला आ गया है, जातीय गणना वाला आ गया है, और इसलिए इनकी घेराबंदी करनी है, ये निकल रहे हैं यहाँ से। एक मैं ये सोच रही थी कि एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसके दोनों तरफ की आप बात करेंगे, लेकिन के इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? सही बात है, आपका ये कहना है कि कुछ भी गलत नहीं है, निंदा भी क्यों की जाए, चूंकि आरक्षण का मुद्दा आ गया इसलिए ऐसा हो रहा है, पर आप अगर एक न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर इसे देखें तो कल जो उन्होंने कहा उसको क्या सही ठहराएंगे आप? आप कह रहे हैं हाँ निंदा नहीं करनी चाहिए, माफी उन्होंने आज मांगी, नहीं सही बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही, नगमा जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही करना चाहिए, लेकिन आप छवि पर, पहला सवाल आपका था कि छवि पर असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि उनकी छवि पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगा जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी, मैं शर्म ही महसूस करता हूँ, उन्होंने ये भी कहा, इसलिए उनके छवि पर कोई ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आपको लगता है कि उनकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो ऑपोजिशन एक और बात भी कह रहा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा या इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर सुनने में किसी को भी नहीं अच्छा लगा जो उन्होंने कहा और जिस जगह पे कहा, ये कहीं कोई सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं थी। तो ऑपोजिशन का ये कहना है, कुछ लोगों ने कहा और सही कहा शायद, कि इससे बिहार के लोग और भी लोग शर्मसार हुए हैं। बिहार के लोग तो शर्मसार का क्यों, बिहार के लोग शर्मसार हो गए इससे? वो तो मांग, जब माफी मांगने के बाद अब शर्मसार होने की कहां बात है? बिहार में जो 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 अपोजिशन आप लगा रहे हैं आरोप, केवल बिहार में वही लोग खोले हैं, ये लोग भी है, वो लोग बिहार में 13 करोड़ लोग बसते हैं, तो सर्वे करा लीजिए कि शर्मसार महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं।
ये तो हर कोई मानता है, ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला और उसके बाद सर्वे कराया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ये राय है कन्हैया बल्हारी कि वो कहा उन्होंने माफी मांग ली, अब क्यों शर्मसार होने की जरूरत है। सही बात है, माफी मांग ली, पर क्या इस तरह की भाषा जो उन्होंने विधानसभा में बोली, अगर उसको सब कहें कि कोई बात नहीं माफी मांग ली, तो फिर आगे भी उम्मीद की जाए कि इस तरह की भाषा लोग विधानसभाओं में बोलेंगे और उसके बाद माफी मांग लेंगे और जो अश्लीलता है या अभद्र भाषा है उसका स्तर गिरता ही चला जाएगा। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और ब्रेक के बाद लौटते हैं हेडलाइंस के साथ। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को एक बार फिर से पूछताछ के लिए नोटिस दी है। उससे कल देर रात भी पूछताछ हुई है और उसने अपने वकील के साथ नोएडा सेक्टर 20 में ये पूछताछ उसके साथ हुई थी, जहां उससे 3 घंटे बात हुई, लेकिन नोएडा पुलिस एल्विश यादव के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज फिर बुलाया गया है। रेव पार्टी और सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव से पूछताछ हो रही है। आज के बाद में एक ब्रेक और उसके बाद कर्नाटका के मांड्या में एक कार हादसा।